जिम्मेदार व्यक्ति आए यहाँ पे और बोल के जाए साइन करके लिखित में कि मैं कल से रोड चालू कर रहा हूँ, आज मोटर तब हटेंगे नहीं, हम तो यही बैठे। ठेकेदार भी हमको परेशान कर रहा है, काम नहीं कर रहा, बार बार टेंडर ले लेता है, बार बार निरस्त कर देता है, या टेंडर लेके रोड को खोद के डाल देता है, काम नहीं करता, उस पर भी ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई कर रहे हैं। शिवपुरी में बीजेपी पार्षद ने नगर पालिका कार्यालय में मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दी और अपनी ही पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वार्ड नंबर 10 की पार्षद नीलम बघेल ने वार्ड में काम नहीं होने के चलते भूख हड़ताल पर बैठ और काम नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही। नीलम बघेल का आरोप है कि नगर पालिका में इस वक्त उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनके वार्ड में पिछले 2 दिनों से पानी की मोटर फूकी पड़ी है जिससे जनता काफी परेशान है। पूरे शहर में कनेक्शन सबके हो चुके, कनेक्शन मांग रही है तब आपकी मोटर डलेगी, बस ये कह के चल। कोई जिम्मेदारी से कोई जिम्मेदारी की करवा रही हूँ, ठेकेदार को हटा दिया है, दूसरा ठेकेदार आया है, तो हमें क्या जनता को लेना देना है किस चीज से? तो अब तुम धरने में बैठ गए तो कब हटने के चांस है कि नहीं आपके? मोटर डल जाएगी, रोड का काम चालू हो जाएगा जब हम लोग जिम्मेदार व्यक्ति आए यहाँ पे और बोल के जाए साइन करके लिखित में कि मैं कल से रोड चालू कर रहा हूँ, आज मोटर तब हटेंगे नहीं, हम तो यही बैठे हैं, भूख अनशन पे बैठे हैं, जब तक कोई भी नहीं हटेगा यहाँ से। आप लोग असंतुष्ट हैं, किससे असंतुष्ट हैं? नगर पालिका में कोई अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी है, कोई किसी की नहीं सुन रहा, मनमर्जी चल रही है सबकी। किसका नाम लूं? कल वो लड़ती थी, आज उनके मेरे सब काम हो रहा है, मेरे नहीं हो रहे तो मैं बोल रही हूँ जनता के। नहीं, आप तो जैसे बीजेपी की पार्षद हैं, मेरे वार्ड के काम नहीं हो रहे, मैं बीजेपी की हूँ पर कोई काम नहीं। तो संगठन में भी तो आप अपनी बात रख सकती हैं क्योंकि बीजेपी ही सत्ता में है नगर पालिका में, संगठन में आपने बात रखी क्या? क्योंकि आप लोग मतलब पार्टी में ये कहा जाता है ना कि ये तो एक परिवार है, फिर क्या परिवार में? ये बताओ, गोपाल चली जाऊं मैं सप्ताह में कहने के लिए, मैं तो नगर पालिका में ही बोलूंगी, नगर पालिका प्रशासन जिम्मेदार है इस चीज के लिए, तो किससे बोलूंगी? नगर पालिका में, नगर पालिका नहीं करेगी तो जनता आ गई साथ में, बस सीधी बात है। वहीं बीजेपी नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने सारा ठिकरा ठेकेदारों पर मोड़ दिया और ठेकेदार पर काम नहीं करने का आरोप लगाया, साथ ही उन्हें ब्लैक लिस्टेड भी करने की बात कही। हमारे शहर में सभी जगह सभी वार्डों में लगभग काम शुरू हो गए हैं। अब मोटर का ये था कि वो ठेकेदार हमको परेशान कर रहा था, मोटर नहीं डाल पा रहा था टाइम पे, तो आचार संहिता की वजह से हम उसको बदल नहीं पाए। अभी मोटर के ठेकेदार बदल भी दिए हैं 2 दिन से 3 दिन से, जैसे ही आचार संहिता खत्म हुई मोटर के ठेकेदार बदल दिए हैं, उन्होंने काम भी कल परसों से शुरू कर दिया है करना। बहुत सारे वार्डों में मोटर डल गई, इनके वार्ड में भी कुछ मोटरें डल गई हैं, 1-2 मोटर रह गई है, डल जाएगी। अब नए ठेकेदार को काम करने में थोड़ा समय लगता है, समझने में भी समय लगता है। रही बात इनकी रोड की, तो कौन सी रोड इन्होंने डलवाई है, बनवाई है, उसकी एस्टीमेट बनवाया है नहीं बनवाया, हमें पता तो चले नहीं। भी एक रोड बता रही है एसपीएस रघुवंशी, डॉक्टर एसपीएस रघुवंशी वाली रोड कोई बता रही है, उनका जो कहना है, उनका जो आरोप है वो ये है कि मुन्ना लाल के समय भी वो रोड स्वीकृत हुई और उसका भूमि पूजन हुआ, हाल ही में आपने भी उसका भूमि पूजन किया है और उसके बावजूद रोड नहीं बन पा रही है। क्या कारण है कि 1-2 रोड उनकी अर्पित के पास थी, वो ठेकेदार भी हमको परेशान कर रहा है, काम नहीं कर रहा, बार बार टेंडर ले लेता है, बार बार निरस्त कर देता है, या टेंडर लेके रोड को खोद के डाल देता है, काम नहीं करता, उस पर भी ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई कर रहे हैं। ब्लैक लिस्टेड किया जाए, बिल्कुल करेंगे। और अभी उनका ये कहना है जब तक मोटर नहीं पहुंचेंगे वो यहाँ से हटेंगी नहीं, या सीएमओ साहब भैया अब मोटर वाले को कह दिया है कि डाल दे भैया ठेकेदार, अब डालने में समय तो लगेगा क्योंकि मोटर ठीक हो रही है, ठीक हो गए जब डालेंगी तो थोड़ा समय तो चाहिए। आज ही डल जाएंगी? नहीं डल जाएंगी, शाम तक डल जाएंगी, मैंने वो नहीं आई, उनके पहले भी कहा था, लेकिन ये चीजें बताना चाहिए ना, उनने तो ना मुझे बताया ना सीएमओ को बताया, वो कह रही करीब 1 महीने से खराब है उनकी, तो मुझे बताती ना, खराब है तो मुझे बताती, मुझे तो 1 महीने से नहीं पता गया उनकी मोटर खराब है। आपको बता दें कि पार्षद के हंगामे का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल जिम्मेदारों के इस रवैये का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। शिवपुरी से पंजाब के सी टीवी के लिए भूपेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।